नमस्कार दोस्तों, क्विक इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर स्त्री में होती हैं ये पांच बड़ी बीमारियां। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको औरतों की ऐसी पांच बड़ी बीमारियां बताएंगे जिनको जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। जी हां, कौन सी हैं वो बीमारियाँ, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्त्रियों के बारे में बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना जाता है कि स्त्रियों को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। आम मानवीय गुणों के चलते महिलाएं भी ऐसी कुछ बीमारियों या यूं कहें कमजोरियों से ग्रसित होती हैं, जो उनका अहित करवाने के लिए काफ़ी होती हैं। धर्म नीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले महान राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य जी स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसे ही विचार रखते हैं। जी हाँ मित्रों, अर्थशास्त्र के ज्ञाता कौटिल्य, जिन्हें दुनिया चाणक्य जी के नाम से जानती है, उनका कहना था कि महिलाओं के अंदर कुछ ऐसे अनचाहे गुण होते हैं जो उन्हें किसी भी वक्त मुश्किल में डाल सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में स्त्रियों के कुछ ऐसे ही गुणों से परिचित करवाएंगे। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य जी ने सदियों पहले महिलाओं के लिए किन गुणों का उल्लेख किया था जिनके कारण वो अक्सर मुश्किल में फंस जाती हैं। आइए जानते हैं उन बड़ी बीमारियों के बारे में। नंबर एक, झूठ बोलना। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं में झूठ बोलने की बहुत बड़ी बीमारी होती है। महिलाएं एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ तक बोलने से गुरेज नहीं करती हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो उन्हें काफ़ी जलालत का सामना करना पड़ता है। महिलाएं इस बीमारी की चपेट में कभी ना कभी आ ही जाती हैं। आचार्य चाणक्य जी का कहना था कि महिलाओं का यह स्वाभाविक गुण कभी कभार उनका इतना अहित करवा देता है कि उनको इसका अंदाजा भी नहीं लग पाता। नंबर दो, बिना सोच विचार के काम करना। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार महिलाओं का ऐसा स्वभाव होता है कि वो बिना सोचे विचारे किसी भी काम को कर देती हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलत किया है तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है। कभी कभार अपनी इस आदत के कारण महिलाएं अपना बड़ा नुकसान भी कर बैठती हैं। नंबर तीन, नखरे करना। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने कहा है महिलाओं में नखरे करने की भी बहुत बुरी आदत होती है। महिलाएं बात बात पर नखरे करती हैं। वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपना ध्यान आकर्षित करवाने के लिए तरह तरह के नखरे करती हैं। आचार्य चाणक्य जी का कहना था कि महिलाओं को अपना यह स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे इनका कभी कभी ही फायदा हो सकता है, हमेशा नहीं। नंबर चार, अति आत्मविश्वासी होना। जी हाँ दोस्तों, कुछ महिलाएं अति आत्मविश्वासी होती हैं और अपनी इसी अति आत्मविश्वास में वो मूर्खतापूर्ण कार्य भी कर बैठती हैं। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में एक बारीक सी लाइन होती है, जिसमें फर्क करना कभी कभी महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी का कहना था कि महिलाओं को अपनी इस आदत के चलते परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और दोस्तों, नंबर पाँच है, धन का लोभ करना। जी हाँ, कुछ महिलाएं धन के मामले में काफ़ी लोभी होती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं में लोभ करने का स्वाभाविक गुण होता है। महिलाओं में धन और सोने चांदी के प्रति खासा आकर्षण रहता है। चाणक्य जी का कहना था कि महिलाएं अपने इसी लोभ के कारण सही गलत में भेदभाव करना भूल जाती हैं। तो दोस्तों, यही वो पांच बीमारियां हैं जो कि महिलाओं में ज़्यादातर पाई जाती हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।